हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मनाली पहुंचने वाले होंगे, शायद 10-12 किलोमीटर रह गए होंगे। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, रोड बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा रफ पैच आया था पहले और वो निकल गया है। क्या नजारे हैं, क्या ग्रीनरी है। और देखिए माउंटेन्स पे स्नो है, हवा में अलग सी महक है। यहाँ अगर आप आएंगे तो समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सफर बहुत ज्यादा सुहाना है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने सफर को लेकर। हमारे राइट साइड में नदी का नजारा आपने देखा है दोस्तों, कितना ज्यादा सुंदर है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ की ग्रीनरी क्या बताऊं दोस्तों, इतना सुंदर है सब कुछ। इसीलिए मैंने सोचा वीडियो बना लूं और आपको भी यहाँ की सैर करा दूं। दोस्तों, हम मनाली पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये मनाली शहर है। कुछ ही दूरी पर माल रोड है। ये देखिए दोस्तों, क्या ही सुंदर शहर है। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं अपनी लाइफ को कितना ज्यादा एंजॉय करते होंगे इतनी ग्रीनरी के साथ। ये देखिए दोस्तों, क्या ही सुंदर नजारा है। हम अपनी SUV से वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये सारा बाजार, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं बहुत ज्यादा। हमने मैप भी खोल के रखा है मनाली का और ये हमारी SUV है। दोस्तों, लॉन्ग ट्रिप्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, घूमना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और अपनी गाड़ी हो उसका कुछ अलग ही मजा होता है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं सारा मनाली है। दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने लिखा है मनाली 2 किलोमीटर, सोलांग वैली 18 किलोमीटर, रोहतांग 56 किलोमीटर और ले 478 किलोमीटर। और सामने देखिए दोस्तों, स्नो कैप माउंटेन्स, क्या सुंदर नजारा है दोस्तों। और सनराइज देख सकते हैं आप, इस वक्त सनराइज हुआ है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा है। ये देखिए दोस्तों, मनाली में कितनी ज्यादा ट्रैफिक है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए दोस्तों, स्नो कैप माउंटेन्स और सनराइज, ये क्या अद्भुत नजारा है यहाँ पे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और दोस्तों, हम मनाली क्रॉस कर चुके हैं और सोलांग वैली 7-8 किलोमीटर में आ जाएगा। मनाली क्रॉस हो चुका है काफी देर से और आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, टूरिस्ट काफी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो आप जब पहाड़ों पे आए तो अपनी ट्रिप को पूरा एंजॉय कीजिए और यहाँ इतनी ज्यादा आपको लोकेशंस दिखेंगी और लोकेशंस हैं भी घूमने के लिए, पूरा एंजॉय कीजिए दोस्तों उसको। दोस्तों, हम सोलांग वैली पहुंचने ही वाले हैं।
कोई 7-8 किलोमीटर ही रह गया है और सोलांग वैली आने ही वाला है। दोस्तों ये वाली ट्रिप हमारी काफी लंबी होने वाली है और हम यहाँ पे पूरा एंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए हम अलग अलग लोकेशंस पे जाने वाले हैं और वीडियो में बनाने वाली हूँ और आपको भी साथ में सैर कराने वाली हूँ अपने। और दोस्तों क्या बताऊँ आपको, इतनी ताजा हवा है यहाँ पे, कितनी ज्यादा ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, पहाड़ों पे घूमने का अलग ही मजा होता है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे लिखा है सोलांग वैली 5 किलोमीटर, अटल टनल 17 किलोमीटर और ले 421 किलोमीटर। शहरों में तो अलग ही नजारे होते हैं और यहाँ के नजारे कुछ अलग ही है, आंखों को भी ये सब देखने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड है, जो आपको समझ आएगा यहाँ पे आकर ही। मुझे तो स्नोफॉल देखना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा पसंद है, आपको क्या बताऊं। और सामने देखिए अटल टनल रोहतांग, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे चेकिंग चल रही है इस वक्त गाड़ियों की। यहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये रोहतांग है दोस्तों अटल टनल। दोस्तों अटल टनल जो है दुनिया की सबसे लंबी टनल है और बहुत खूबसूरत टनल है दोस्तों, और इसका सफर भी बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखने वाली हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करने वाली। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अटल टनल की अंदर से आपको मैं सैर करवाऊंगी दोस्तों। साथ में दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।